मोबाइल व्हाट्सएप पर रोडवेज कर्मचारी की फोटो लगाकर बीमारी का बहाना बताते हुए बदमाशों द्वारा रुपए मांगने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर पीड़ित कर्मचारी द्वारा सिविल लाइन थाने में शिकायत दी गई है। पीड़ित ने बताया कि अज्ञात बदमाश अलग नंबरों पर उनकी फोटो लगाकर उनके पहचान वाले लोगों को रुपए डालने की बात कर रहा है, जिसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। अजमेर के राजस्थान रोडवेज कर्मचारी नेता आनंद सिंह ने बताया कि अज्ञात नंबरों पर उनकी फोटो लगाकर व्हाट्सएप प्रोफाइल के माध्यम से बदमाशों की ओर से 10,000 मांगने का मामला सामने आया है। इस मामले की सूचना पर उन्होंने अपने परिचितों को इसकी जानकारी दी है, साथ ही इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है, जिससे कि कोई भी पहचान वाला व्यक्ति साइबर ठगों से बच सके। किस तरीके के आपके मिलने वालों के पास मैसेज आ रहे हैं? मेरे मिलने वालों के पास में मैसेज आ रहे हैं कि भैया एक नंबर है जिस पर आपकी प्रोफाइल, जिसकी प्रोफाइल पर आपकी फोटो आ रही है और वो व्हाट्सएप ग्रुप है और उसके द्वारा बार बार हेलो हाय करके कहाँ रह रहे, कहाँ हो, मुझे मदद की आवश्यकता है, 10,000 रुपये की मदद करिए कृपया, 2,000 की कर दीजिए कृपया, इस तरीके के मैसेज आ रहे थे। कल भी मुझे लोगों ने फ़ोन पर संपर्क किया, जब से ही मेरी जानकारी में आया तो मैंने अपने परिचितों से कहा कि भाई सभी ग्रुपों में इस प्रकार से जो अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है और जो मेरा प्रोफाइल फ़ोटो के माध्यम से की जा रही है, उसके संबंध में सूचित करने हेतु निवेदन किया गया। कल सभी जो हमारे जो ग्रुप है उन ग्रुपों में ये संदेश भेज दिया गया था। अभी तक किसी प्रकार की धोखाबड़ी नहीं हुई, लेकिन ये आदमी निरंतर प्रयासरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रार्थना पत्र तैयार किया, जो मैं अभी थानाधिकारी सिविल लाइन थाना महोदय को देने जा रहा हूँ, ताकि इस प्रकरण में उचित कार्रवाई हो सके। किस नाम से मांग रहा है कि बीमारी को लेकर? ये सिर्फ बीमारी के नाम से मांग रहा है, नाम उसमें अज्ञात नंबर है तो नाम तो उसमें आ नहीं रहे, सिर्फ नंबर आ रहे हैं। ये नंबर हैं आपके 829-61-80-345, ये नंबर व्हाट्सएप पे आ रहा है हमारे सभी परिचितों के, जिसकी प्रोफाइल में मेरा फ़ोटो है। अतः मैं इस आपके चैनल के माध्यम से भी सभी मेरे संपर्क में आने मिलने वालों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की धोखाधड़ी से सावधान रहें, मेरे नाम से किसी को कोई राशि ना दें और ऐसे जो भी फोन आते हैं उन पर विशेष रूप ध्यान दे करके ऐसी धोखाधड़ी से बचें। मैं आनंद सिंह नयाल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान परिवहन निगम सुध कर्मचारी फेडरेशन एवं प्रबंधक प्रशासन अजमेर।